सात महीने पहले नजीबाबाद में बसपा नेता और प्रॉपर्टी डीलर हाजी एहसान और उनके भांजे शादाब की हत्या के मामले में आरोपी कुख्यात शाहनवाज की बिजनौर में सीजीएम कोर्ट में पिस्टल से गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। दो पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए। पेशी पर लाया गया शाहनवाज का साथी जब्बार फरार हो गया। वारदात को हाजी एहसान की दूसरी पत्नी के बेटे ने अपने दो साथियों के साथ अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात मंगलवार दोपहर 1:40 पर बिजनौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। एहसान और शादाब हत्याकांड में आरोपी शाहनवाज और जब्बार को दिल्ली पुलिस बिजनौर सीजीएम कोर्ट में पेशी पर लाई थी। कोर्ट में एक तरफ दीवार से सटकर शाहनवाज और जब्बार खड़े थे, जबकि सामने अन्य लोगों के साथ हाजी एहसान की दूसरी पत्नी रिजवाना का बेटा साहिल, कीरतपुर के मोहल्ला रागड़ान निवासी अफराज पुत्र अकरम, शामली जिले के गाँव लिलौन निवासी सुमित पुत्र जयपाल भी खड़े हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तीनों ने पिस्टल से शाहनवाज और जब्बार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। अधिवक्ता और अन्य लोग भाग खड़े हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सीजीएम ने किसी तरह मेज के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। कोर्ट में मौजूद कोर्ट मुहर्रिर मनीष ने एक शूटर को दबोचने की कोशिश की तो उस पर भी तीनों ने गोली चला दी। पैर में गोली लगने से मनीष घायल हो गया। विकासनगर बटालियन दिल्ली का सिपाही संजीव भी गोली लगने से घायल हुआ। इसी बीच शाहनवाज का साथी जब्बार कोर्ट रूम से फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद साहिल, अफराज और सुमित ने कोर्ट में ही सरेंडर कर दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सिपाही मनीष को उपचार के लिए मेरठ रेफर किया गया। एसपी संजीव त्यागी का कहना है कि कोर्ट परिसर में हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट से फरार हुए शाहनवाज के साथी जब्बार को गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। कोर्ट परिसर में शाहनवाज की हत्या के बाद दबोचे गए साहिल ने पुलिस को बताया कि अपने पिता हाजी एहसान की हत्या का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। साहिल ने पुलिस को बताया कि उसके पिता हाजी एहसान की हत्या के बाद से वो बदला लेने की आग में सुलग रहा था। उसने तभी से ठान लिया था कि पिता की हत्या का बदला जरूर लेना है। इसके लिए वो मौके का इंतजार कर रहा था। साहिल ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके साथ पकड़ा गया सुमित और अफराज उसके दोस्त हैं। उन दोस्तों के साथ ही उन्होंने शाहनवाज की हत्या की है। वारदात को अंजाम देने में किन लोगों ने मदद की, इस बारे में साहिल ने कुछ भी नहीं बताया। साहिल के अलावा पुलिस ने सुमित और अफराज से अलग अलग पूछताछ की। तीनों एक दूसरे को अपना दोस्त बता रहे हैं। पुलिस तीनों से गहराई से पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस तीनों से ये भी पता लगाने में जुटी है कि कोर्ट परिसर में उनके पास पिस्टल कहाँ से आए और कौन लोग उनके साथ थे, कब से वो हत्या की योजना बना रहे थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों अभी हत्याकांड के बारे में खुलकर कुछ नहीं बता रहे हैं। तीनों को हत्या के बारे में पहले से ही पक्का कर दिया गया है कि उन्हें मुंह नहीं खोलना है। तीनों एक ही सुर में बात कर रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं बता रहे। साहिल बस इतना ही कहता है कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ब्लू इंडिया के साथ। नमस्कार।